हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मेरे इस चैनल में। क्या आपको पता है मोबाइल के आविष्कार किसने किया? मोबाइल फ़ोन का उपयोग हम सभी करते हैं, अब तो यही स्मार्टफोन हो गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है दुनिया के पहला मोबाइल फ़ोन किस इंजीनियर ने बनाया? मोबाइल फ़ोन का आविष्कार कब हुआ? दुनिया का पहला मोबाइल किस कंपनी ने लॉन्च किया? इसकी कीमत कितनी थी? दुनिया के पहले मोबाइल फ़ोन का बैटरी बैकअप कितना था? भारत में मोबाइल फ़ोन कब आया? भारत में मोबाइल फ़ोन लाने वाले कारोबारी और कंपनी का क्या नाम था? इस सभी सवाल के जवाब जानिए इस वीडियो में। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार अमेरिकन इंजीनियर मार्टिन कूपर ने किया। 3 अप्रैल 1973 में मोबाइल फ़ोन का बर्थडे दर्ज किया गया। यही वह तारीख है जब मोबाइल फ़ोन सबसे पहली बार उपयोग किया गया, यानी दुनिया का पहला मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुआ। यह तो आप जानते ही हैं कि दुनिया का पहला मोबाइल फ़ोन मोटोरोला कंपनी ने लॉन्च किया था। इंजीनियर मार्टिन कूपर ने 1970 मोटोरोला कंपनी ज्वाइन की थी। ज्वाइन के साथ ही वह वायरल काम करने लगे थे और 1973 यानी मात्र 3 साल में उन्होंने वह कर दिया जिसका सपना किसी ने नहीं देखा था। दुनिया के पहले मोबाइल फ़ोन का वजन और बैटरी बैकअप और कीमत कितना था? मार्टिन कूपर द्वारा बनाए गए पहले मोबाइल फ़ोन का वजन लगभग 2 kg था। एक बड़ी बैटरी को कंधे पर लटकाकर चलाना पड़ता था। एक बार चार्ज होने के बाद उस मोबाइल से 30 मिनट बात की जा सकती थी, लेकिन उसे दोबारा चार्ज करने में 10 घंटे का समय लगता था। 1973 में मोबाइल फ़ोन की कीमत लगभग 2700 थी और अमेरिकन डॉलर 2 लाख रुपये थी। मोबाइल फ़ोन की बाजार में बिक्री कब से शुरू हुई? 1973 में लॉन्च हुए पहले मोबाइल फ़ोन को OG0 जनरेशन मोबाइल फ़ोन के नाम से जाना जाता था। पहले मोबाइल फ़ोन के आविष्कार के 10 साल बाद वर्ष 1983 में मोटोरोला ने आम लोगों के लिए पहली बार मोबाइल बाजार में लाया, जिसका नाम था मोटोरोला डायना टैंक 8000 × एक बार चार्ज होने के बाद इससे 30 मिनट बात हो सकता था। इसमें 30 मोबाइल नंबर भी सेव किया जा सकता था और उस समय उसका मूल्य 3995 अमेरिकन डॉलर 29,05,669 रखा गया था। भारत में मोबाइल फ़ोन कब आया? भारत में मोबाइल फ़ोन का आगमन दुनिया के पहले मोबाइल फ़ोन डायना टैंक 8000 बनाने के 12 साल बाद 31 जुलाई 1995 को हुआ। दूरसंचार सेवाओं के विस्तार के लिए भारत में 20 फरवरी 1997 में ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। भारत में पहली मोबाइल सेवा किसने शुरू की? भारत में मोबाइल सेवा प्रारंभ करने का प्रयास वर्ष 1994 के माध्यम से ही भारत के उद्यमी भूपेंद्र कुमार मोदी द्वारा किया जाने लगा था। उन्हीं की कंपनी मोदी टेलस्ट्रा ने देश में पहली बार मोबाइल सेवा का प्रारंभ किया था। पहला मोबाइल कॉल इसी कंपनी ने नेटवर्क, जिसे मोबाइल नेटवर्क कहा जाता था, पर कोलकाता से दिल्ली किया गया था। इसी कंपनी को आगे चलकर स्पाइस मोबाइल के नाम से जाना गया था।